राजस्थान में बिजली दामों की फिर से समीक्षा होगी। ऊर्जा विभाग ने शुरू की बिजली टैरिफ याचिका की तैयारियां। डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में बैठक होगी। विद्युत भवन में आज दोपहर 4 बजे बैठक प्रस्तावित है। तीनों डिस्कॉम MD डायरेक्टर फाइनेंस जयपुर, डिस्कॉम CCOA 1 जयपुर, डिस्कॉम के ACE PPM समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। बिजली कंपनियों को 31 अक्टूबर तक दायर करनी है याचिका। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में लगेगी दरों की समीक्षा की याचिका। जानकारी आपको दे रहे हैं, बिजली दामों की फिर से समीक्षा होगी। ऊर्जा विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू की है, बिजली टैरिफ याचिका की तैयारी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन पर। विकास, जानकारी दीजिएगा, बिजली दामों की फिर से समीक्षा की जा रही है, किस तरह की तैयारी देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल, राजस्थान की बिजली कंपनियों की हर साल जो दाम जो है जो कंज्यूमर से लिए जाते हैं उसकी पूरी समीक्षा होती है। ये जो समीक्षा है राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके जरिए ये पूरी समीक्षा की जाती है। उसके लिए बिजली कंपनियों को पाबंद किया हुआ है कि वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक अपनी ARR एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है ARR और साथ में टैरिफ पिटिशन जो है वो पेश करेगी और उसी को लेकर के ऊर्जा विभाग में बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। बतौर नोडल एजेंसी जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने पूरा प्रस्ताव जो बना लिया है जिसको लेकर के आज हाई लेवल बैठक होगी। विद्युत भवन में 4 बजे बैठक प्रस्तावित जिसमें की मौजूदा बिजली की दरों को लेकर के समीक्षा होगी, चर्चा होगी, साथ में किन किन कैटेगरी में किस किस तरह से बिजली की दरों का समीक्षा की जानी है और उन समीक्षा के अंदर क्या दाम बढ़ाए जाने हैं या फिर कुछ सेवाओं में सुधार किया जाना है या फिर कोई और कोई जो अमेंडमेंट है वो किया जाना है, तो वो तमाम तरह के प्रस्ताव जो है वो टैरिफ पिटिशन जो याचिका है ARR याचिका जो है उसमें दी जाएगी। उस पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग याचिका पर सुनवाई करेगा, जन सुनवाई करेगा और उसके बाद पूरा प्रोसेस अपनाने के बाद में मार्च तक इसका टैरिफ जो नई टैरिफ है उसकी आदेश जारी होंगे। जो नई टैरिफ के आदेश है उसमें विनियामक आयोग सभी तरह के पक्षों की वो अपने स्तर पर पूरे रेगुलेटरी जो है जो बिजली कंपनियों के खर्चे हैं उनका एनालिसिस करता है और उसके बाद ही उनका अप्रूवल देता है। तो यानी कि अंतिम फैसला विनियामक आयोग की तरफ से रहेगा जो आदेश जारी होगा, लेकिन फिलहाल ऊर्जा विभाग की तरफ से टैरिफ की जो समीक्षा है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी विकास, बैठक में कौन कौन से बिंदु प्रमुख तय रखे जाएंगे, सबकी क्या राय रह सकती है इस दौरान? बिंदु जो है बैठक के अंदर दो तरह से डिस्कशन हुआ। एक तो एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की आगामी साल के अंदर बिजली कंपनियों को कितनी राजस्व की जरूरत होगी, उसको राजस्व की जरूरत की पूर्ति के लिए बिजली कंपनियों के पास फाइनेंशियली जो विकास एक बार आपको रोकना चाहेंगे।